Hello students, so welcome back to our channel, and today we will continue our chapter. The book is Vistas and chapter number 7, Ivan's Tries and O Level. So Ivan's jo ki ek prisoner hai aur wo fir prison mein kehta hai ki usko German ka O Level jo hai wo padhna hai, uska exam dena hai. To uske liye jo hai us special ke liye tuitions arrange ki jati hain aur saath ke saath jo hai usko पेपर के लिए जो है स्पेशल अरेंजमेंट्स किए जाते हैं जेल में ही और एक स्पेशल इन्विजिलेटर जो है उसका पेपर लेने के लिए आता है. पेपर बड़ा अच्छा स्मूथली जो है वो कंडक्ट हो जाता है और फिर जो है इन्विजिलेटर चला जाता है. तो जैसे ही उसके जाने के बाद जो है ऑफिशियल प्रिजन ऑफिशियल्स जो है वो उसके सेल में जाके देखते हैं तो वहाँ पर मैक्लरी जो है वो काफ़ी इनकी लेटा हुआ था. मैक्लरी मतलब कि जो उसका इन्विजिलेटर आया था वो जबकि एक जा चुका था उसको छोड़कर आए थे गेट तक, लेकिन फिर भी वो वहाँ पर जो है कोई घायल मैक्लरी जो था वो पड़ा हुआ था, लेटा हुआ था. तो वो कहता है कि जो आप पहले गया है वो इवान्स है, ठीक है. तो फिर उसको कहते जाके पकड़ो. तो वो कहता है मैं आप लोगों की हेल्प करता हूँ, मुझे पता है कि वो कहाँ पर गया है, लेकिन अब जो है वो उसको सारी पुलिस अरेंजमेंट्स जो है वो करते हैं और गवर्नर जो है वो गुस्सा होता है कि कैसे वो जो है इतना सब कुछ होने के बाद भी वो भाग गया, ठीक है. तो पेज नंबर 84, तो अब देखो, यू नो सर अबाउट 20 past 11 जस्ट बिफोर. तो कहते हैं आप, गवर्नर कहते हैं कि आप इनकी कैसे वो भागा, इनकी उस आपको छोड़ने उसको गेट तक छोड़ने के आपको पता ही नहीं चला. तो कहते सर आपने खुद मुझे बोला था कि उसको गेट तक छोड़ कराओ, आपका फ़ोन आया था 11:20 पर. यू ब्लिदरिंग इडियट मैन, इट वॉजेंट मी हु रैंग यू. कहते तुम बेवकूफ हो, मूर्ख हो, मैंने तुम्हें फ़ोन किया ही नहीं. डोंट यू रियलाइज, कहते तुम्हें पता ही नहीं चला. बट वट वॉज द यूज़, लेकिन कहते क्या फ़ायदा हुआ इतने अरेंजमेंट्स करने का. ही हैड यूज द टेलीफोन एट दैट टाइम बट ओनली टू ट्राई unsuccessfully once more to get through to the examination board. कहते he had used the telephone at that time. कहते मैं तो उस time फ़ोन जो है वो use किया, लेकिन फिर भी examination board से जो है वो सब कुछ जो है वो इतना इनकी तैयारी वगैरह की तो try देखा, क्योंकि उसने बीच में try किया था ना कि वो देखे कि examination board से झूठा तो नहीं फ़ोन आया है. तो कहते सब कुछ मेरे का useless चला गया. He shook his head in growing despair and turned on the senior prison officer. तो फिर दुखी होकर सिर हिलाता है और फिर सीनियर जो प्रिजन ऑफिसर था उसकी तरफ देखता है. As for you, Jackson, how long have you been pretending you have got a brain? तो कहते जैक्सन तुम कितनी बार शो करोगे कि तुम्हारे पास दिमाग है. Well, I'll tell you something, Jackson. Your skull's empty. कहते मैं तुम्हें बताता हूँ कि तुम्हारा दिमाग जो है वो खाली है, तुम्हारी खोपड़ी खाली है, कोई दिमाग नहीं है उसमें. Absolutely empty. बिल्कुल खाली. It was Jackson who had spent 2 hours in Ivan's cell the previous evening. कहते Ivan's के सेल में पिछली कल शाम जो है वो 2 घंटे Jackson ने बिताई थी. And it was Jackson who had confidently reported that there was nothing hidden away there. और जैक्सन ही था जिसने कॉन्फिडेंटली कहा था कि उसके कुछ भी जो है कोई त्यौहार सॉरी कोई औजार वगैरह जो है कोई इनकी कुछ भी जो है वेपन वगैरह उसके इवान्स के सेल में नहीं है. एंड येट इवान्स हैड समहाउ मैनेज टू कंसील नॉट ओनली अ फॉल्स बियर्ड, अ फॉल्स पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, अ डॉग कॉलर एंड ऑल द रेस्ट ऑफ हिज क्लरिकल पैराफेर्नेलिया. But also some sort of weapon with which he had given McClary such a terrible blow across the head. Or, oh, तो फिर कहते कि यहाँ तक कि Ivan's ने सब कुछ मैनेज कैसे कर लिया कि उसके पास नकली दाढ़ी भी आई, नकली चश्मा भी आया, एक कॉलर भी आया और साथ के साथ इनकी पूरा एक ड्रेस पहनने के लिए मतलब भेस बनाने की पूरी झूठी ड्रेस कहाँ से आई उसके पास. तो कहते कि उस साथ के साथ उसके पास एक कोई वेपन भी था जिससे उसने मैक्लरी को हिट किया. अ प्रिजन वैन बैग्ड अलोंग साइड, प्रिजन वैन भी जो है वो साइड से आती है. बट द गवर्नर मेड नो इमीडिएट मूव, लेकिन गवर्नर कोई भी इनकी कोई मूवमेंट नहीं करता है. ही लुक डाउन अगेन एट द लास्ट लाइन ऑफ द जर्मन.
तो वो उसके पास जो क्वेश्चन पेपर की कॉपी थी उसके ऊपर ही जो है वो देखे जा रहा है जो जर्मनी में लिखा था. टू द हेडिंगटन राउंड अबाउट वेयर यू गो स्ट्रेट ओवर एंड मेक योर वे टू टू न्यू ग्राबन. तो फिर वो पढ़े जा रहा था कि हेडिंगटन राउंड अबाउट तक जाके सीधा जाना है न्यू ग्राबन पर. न्यू ग्राबन वेयर ऑन अर्थ, कहते हैं न्यू ग्राबन वो कहाँ पर है, ये जगह कहाँ पर है. न्यू समथिंग न्यू ग्रैब, कहते कुछ न्यू न्यू करके है तो कोई न्यू ग्रैब तो नहीं है जगह. नेवर हर्ड ऑफ इट, कहते सुनी नहीं है कभी. देयर वॉज अ वार ग्रैब, कहते वार ग्रैब तो सुना है. समवेयर नियर रीडिंग बट नो इट वॉज प्रोबेबली अ कोड वर्ड और एंड देन इट हिट मी. तो कहते नहीं ये कुछ जो है कोड वर्ड हो सकता है, कुछ दिमाग में कहते आ नहीं रहा है. न्यूबरी गॉड यस, न्यूबरी वॉज अ प्रेटी बिग सॉर्ट ऑफ प्लेस बट, कहते न्यूबरी कहते बहुत बड़ी जगह है तो. लेकिन कहते ही रैप्ड आउट हिज ऑर्डर्स टू द ड्राइवर, तो ड्राइवर को वो ऑर्डर्स देता है. सेंट एल्डेट्स पुलिस स्टेशन एंड स्टेप ऑन इट, तो कहते इस पुलिस स्टेशन पर चलो. टेक जैक्सन एंड स्टीफन्स हेयर एंड यू एंड व्हेन यू गेट देयर आस्क फॉर बेल, तो कहते जब वहाँ पर जैक्सन और स्टीफन भी जाएंगे और जब वहाँ पर बोल जाएंगे तो मुझे फ़ोन करो. चीफ इंस्पेक्टर बेल, कहते वहाँ पर बेल जो है चीफ इंस्पेक्टर बेल है उससे मिलना. गॉट दैट, कहते पता चल गया. ही लीप द स्टेयर्स टू हिज ऑफिस थ्री एट ए टाइम, गॉट बेल ऑन द फोन इमिडिएटली एंड पुट द फैक्ट्स बिफोर हिम. तो स्टेयर्स भी एक टाइम में तीन तीन सीढ़ियाँ वो फटाफट चढ़ गया और फटाफट बेल को फ़ोन करता है और सारी बातें उसको बताता है. We will get him, sir, said Bill. We will get him with a bit of luck. तो कहते कि हम पकड़ लेंगे उसको, बिल्कुल पकड़ लेंगे. The governor sat back. वो फिर से बैठता है and lit a cigarette, और सिगरेट जलाता है. Yeah, gods, what a beautifully laid plan it had all been. कहते हैं भगवान कितना अच्छे से प्लान जो था वो सारा बनाया था. What a clever fellow Evans was. कहता कितना चलाक है Evans. Careless leaving that question paper behind. और कहते हैं उसने क्वेश्चन पेपर पीछे छोड़ दिया जानबूझ के इनकी जल्दी जल्दी में लापरवाही में. बट देन दे ऑल मेड देयर मिस्टेक समवेयर अलोंग द लाइन, लेकिन कहते फिर भी वो जो है एक लाइन पर जाके मिस्टेक कर ही गए. ऑलमोस्ट ऑल ऑफ देम, सभी ने मिस्टेक की. एंड दैट्स वाई वेरी वेरी शॉर्टली मिस्टर क्लेवर क्लेवर इवांस वुड बी बैक इन साइड डूइंग हिज वंस मोर. लेकिन कहते फिर भी जल्दी ही तुम जो है जितने मर्जी चलाक हो इवांस, तुम जल्दी ही फिर से अंदर होगे जेल में. द फोन ऑन हिज डेस्क इरप्टेड इन अ स्ट्रीडेंट बर्स्ट एंड सुपरिटेंडेंट कार्टर इन्फॉर्म्ड हिम दैट मैक्लरी हैड स्पॉटेड इवांस ड्राइविंग ऑफ अलोंग एल्सफील्ड. दे हैड गॉट द नंबर ऑफ द कार ऑल राइट एंड हैड गिवन चेज इमिडिएटली. लेकिन कहते कि एकदम से फोन उसके डेस्क पर जो पड़ा था वो बचता है. सुपरिटेंडेंट कार्टर जो है वो मैक्लरी कहता है मैक्लरी ने जो है इवांस को जो है वो ड्राइव करते हुए जो है एल्सफील्ड पर हमने स्पॉट किया, उसको देखा और फिर कार का नंबर भी नोट किया और जल्दी ही हम उसका पीछा करते हुए उसको पकड़ लेंगे. बट हैड लॉस्ट हिम एट द हेडिंगटन राउंड अबाउट, लेकिन कहते जैसे ही हेडिंगटन राउंड अबाउट पर पहुँचते हैं हमें उसकी कार ही नहीं मिली. ही मस्ट हैव डबल्ड बैक इन टू द सिटी, कहते वो फिर कहीं चकमा दे गया हमें. नो सेड द गवर्नर क्वाइटली, कहते नहीं ऐसा नहीं है. गवर्नर कहता है नो ही इज ऑन हिज वे टू न्यूबरी, कहते वो न्यूबरी की तरफ गया है. ही एक्सप्लेन्ड हिज रीजंस फॉर बिलीविंग सो, वो बताता है मैं ऐसा क्यों सोच रहा हूँ. एंड लेफ्ट इट एट दैट, और फिर इसके साथ ही वो छोड़ देता है उनको. इट वॉज अ पुलिस जॉब नाउ, अब पुलिस की काम है ये, नॉट हिज, अब उसका काम नहीं था. He was just another good for a giggle, gullible governor. That was all. क्योंकि वो मस्त मोला सा बंदा था, अच्छा था, अपना वो मस्त है. By the way, Carter, I hope you managed to get McClary to the hospital, all right? तो कहते कि कार्टर वैसे मुझे लगता है कि मैक्लरी को तुमने हॉस्पिटल अच्छे से पहुँचा दिया timely. Yes, he is in the Red Cliff now. कहते हाँ वो Red Cliff में है. Really groggy he was. When we got to the examination offices and they rang for the ambulance from there, तो कहते कि बहुत ही अच्छा आदमी था वो. जैसे ही हम जो है examination office पहुँचते हैं तो वहाँ पर उन्होंने ambulance बुला दी. The governor rang the Redcliffe a few minutes later and asked for the accident department.
तो रेडक्लिफ में जो है वो कहते हैं कि हम उस गवर्नर थोड़ी देर बाद फ़ोन करता है और कहते हैं आप एक्सीडेंट डिपार्टमेंट पर पूछता है मैकलरी यू से यस ही इज़ अ पर्सन। कहते हैं आप मैकलर हॉस्पिटल वाले बोलते हैं कि आप मैकलर के बारे में पूछ रहे हैं। कहते हैं हाँ वो एक पादरी है चर्च में है। आई डोंट थिंक देयर इज एनी वन। तो कहते मुझे नहीं लगता यहाँ पर कोई है। यस देयर इज। कहते हाँ वो है। यू विल फाइंड वन ऑफ योर एम्बुलेंसेज पिक्ड हिम अप फ्रॉम एल्सफील्ड वे अबाउट। तो कहते आपने एक एम्बुलेंस जो है वो एल्सफील्ड पर भेजी तो थी वहाँ पर उसको मिलने के लिए। ओ दैट यस वी सेंट एन एम्बुलेंस ऑल राइट बट वेन वी गॉट देयर द फेलो हैड गोन। कहते हाँ अच्छा वो लेकिन कहते जब हमने एम्बुलेंस भेजी वहाँ पर तो पता चला कि वो आदमी वहाँ से जा चुका है। नो वन सीम टू नो वेयर ही वॉज जस्ट वैनिश्ड नॉट अ साइन। कहते कोई नहीं जानता कि वो एक्चुअल में गया कहाँ। बिल्कुल गायब हो गया था कोई उसका नामो निशान नहीं था वहाँ पर। बट द गवर्नर वॉज नो लोंगर लिसनिंग एंड द ट्रूथ सीम्ड टू हिट हिम विद एन ऑलमोस्ट फिजिकल इम्पैक्ट समवेयर इन द बैक ऑफ हिज नेक। तो गवर्नर अब सुन ही नहीं रहा था। अब उसका फिजिकल इम्पैक्ट जो था वो टोटली जो था वो खो गया कहीं पर। उसके सारे के सारे दिमाग में सारी बातें घूमने लगी। अ क्वार्टर ऑफ एन आवर लेटर दे फाउंड द रेवरेंड एस मैकलरी सिक्योरली बाउंड एंड गैग्ड इन हिज स्टडी इन ब्रॉड स्ट्रीट। तो फिर एक घंटे के अराउंड ही जो है रेवरेंड एस मैकलरी बड़े इनकी मिला उनको जिसको बांधा हुआ था उसके स्टडी बोर्ड स्टडी में बोर्ड ब्रॉड स्ट्रीट नामक जगह पर। ही हैड सीन देयर ही हैड सेड सिंस 8:15 AM व्हेन टू मैन हैड कॉल्ड एंड। तो कहते मैं ये यहाँ पर तब से हूँ जब 8:15 बजे दो आदमी मेरे पास आते हैं और मुझे बुलाते हैं। इंक्वायरीज इन न्यूबरी थ्रू आउट द आफ्टरनून प्रोड्यूस नथिंग। तो न्यूबरी में भी ढूंढ रहे कुछ दोपहर तक नहीं मिला। नथिंग एट ऑल कुछ भी नहीं मिला। एंड बाई टी टाइम एवरी वन इन द प्रिजन न्यू वट हैड हैपन। तो अब एक धीरे धीरे बात जो है सबको पता चल चुकी थी कि इवान्स जो है वो भाग गया है। सभी को जेल में पता था। ही हैड नॉट बीन इवान्स इम्पर्सनेटिंग मैकलरी हु हैड वॉकड आउट। इट हैड बीन इवान्स इम्पर्सनेटिंग मैकलरी हु हैड स्टेड इन। तो अब एक्चुअल में पता लग चुका था कि जो गेट के थ्रू गया था एग्जाम देने के बाद वो मैकलरी असली में ही था। मैकलरी वो इवांस नहीं था। इवांस कहाँ पर था जख्मी हालत में जो अंदर लेटा हुआ था और कहता कि मुझे इवांस ने जो है वो जख्मी किया है। तो इवांस अपना भेष बदल कर जेल में ही रहा था और बाद में खुद जो है इनकी मैकलरी को ढूंढते ढूंढते वो गया था। द फिश एंड चिप्स वर डिलीशियस एंड आफ्टर जेंटल स्ट्रॉल राउंड द सेंटर ऑफ चिपिंग नॉर्टन इवांस डिसाइडेड टू रिटर्न टू द होटल एंड हैव एन अर्ली नाइट। तो फिर अब इवांस जो है वो अपनी पार्टी कर रहा है बाहर जेल से निकल कर। तो चिपिंग नॉर्टन के सेंटर में जो है वो बड़े ही अच्छे से चिप्स और फिश खा रहा है और वो डिसाइड करता है कि मैं जो है वापस होटल चला जाऊँगा ताकि मैं जल्दी सो सकूँ। A smart new hat concealed the wreckage of his closely cropped hair and he kept it on he as he walked up to the reception desk of the Golden Lion. तो Golden Lion होटल था और जो है उसके इनकी बड़ा सुंदर सा छोटे छोटे बाल काट लिए थे और जो था उसने नया हैट भी लगा लिया था और रिसेप्शन पर जाता है Golden Lion होटल में। It would take a good while for his hair to regain its former glories. क्योंकि उसको लंबे बाल पसंद थे तो कहते टाइम लग जाएगा मुझे लंबे बाल होने में। But what the hell did that matter? कहते लेकिन क्या फ़र्क पड़ता है इसे। He was out again, wasn't he? कहते मैं ब्लास्ट में बाहर तो निकल गया ना उस जेल से। A bit of bad luck that when Jackson had pinched his scissors for it had meant a long and tricky operation with his Only razor blade the previous night. तो कहते कि अब जो है मेरा बैड लक था कि जैक्सन ने मेरी सीजर जो थी वो उठा ली थी तो काफ़ी ज़्यादा मुझे ब्लेड के साथ बाल काटने में प्रॉब्लम हुई। आह बट ही हैड हैड हिज गुड लक। लेकिन कहते मेरा गुड लक भी था। जस्ट थिंक कहते सोचो ज़रा इफ जैक्सन हैड मेड हिम टेक हिज बॉबल हैट ऑफ फ्यू दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल। कहते अगर सोचो मेरा हैट वो ले जाता तो फिर मेरे लिए कितनी प्रॉब्लम होती मैं पकड़ा जाता। दैट रियली हैड बीन अ क्लोज कॉल। फिर तो मुझे पकड़ जाना था। स्टिल
ओल्ड जैक्सन वॉजंट सच अ बैड फेलो, लेकिन कहते वो बूढ़ा जैक्सन बुरा भी नहीं था. वन ऑफ द वर्स्ट थिंग, कहते सबसे बुरी चीज़ थी, फनी रियली और फनी भी थी, हैड बीन द बियर्ड, कहते जो मेरी दाढ़ी थी. ही हैड ऑलवेज बीन एलर्जिक टू स्टिकिंग प्लास्टर एंड इवन नाउ हिज चिन वॉज इरिटेटिंगली सोर एंड रेड. तो उसको जो है वो इनकी वो शेव वगैरह से ना वो थोड़ा जो था वो एलर्जी थी, तो कहते को सारा इनकी चिपचिपा सा लगा के प्लास्टर सा, तो कहते अभी भी उसकी शेव करने के बाद जो चीक्स वगैरह थी, चिन थी, वो सब कुछ रेड हो चुकी थी. द रिसेप्शनिस्ट वॉजन द सेम गर्ल हु हैड बुकड हिम इन, बट द चेंज वॉज डेफिनेटली फॉर द बेटर. तो रिसेप्शनिस्ट जो है वो चेंज थी, लेकिन कहते अगर चलो कुछ नया है यहाँ पर तो कुछ अच्छे के लिए होगा. एज ही कलेक्टेड हिज कीज ही गेव हर हिज बेस्ट स्माइल, तो जैसे वो उससे की लेता है स्माइल करता है. टोल्ड हर ही वुडेंट बी बॉदरिंग विद ब्रेकफास्ट, ऑर्डर्ड द डेली एक्सप्रेस एंड आस्क फॉर एन अर्ली मॉर्निंग कॉल एट 6:45 AM, टुमारो वॉज गोइंग टू बी अनदर बिजी डे. तो कहता मुझे ब्रेकफास्ट की चिंता नहीं है, बस मुझे डेली एक्सप्रेस जो है वो मिल जाए और अर्ली मॉर्निंग 6:45 पर मुझे जगा दिया जाए, क्योंकि तो कल का दिन भी मेरा बिजी जाने वाला है. ठीक है, तो आज का चैप्टर, आज का वीडियो हम यहीं पर रोकते हैं. अगले वीडियो में हम इस चैप्टर को कंटिन्यू करेंगे. होप सो कि लास्ट वीडियो हो, काफ़ी लेंथी चैप्टर है, आप भी थक गए होंगे, लेकिन इंटरेस्टिंग चैप्टर है ना ये. ठीक है, सो तब तक जो है इसको रीड करो, इंजॉय करो. टिल देन स्टे सेफ, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली एंड स्टडी हार्ड. बाय बाय.